হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিসিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। আজ বাত করতে বলে পাকিস্তানি মিডিয়া কে হওয়ালে সে কে বাংলাদেশ কি লিডারশিপ বহুত হি জবরদস্ত চল রহী হ্যায়। শেখ হাসিনা ওয়াজেদ কে ভিজন কি পাকিস্তান কে নিউজ পেপার কে উপর তারিফ কি গই হ্যায়। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो बांग्लादेश के चिटागोंग के अंदर उतरे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, और बांग्लादेश के चिटागोंग एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने क्याम किया, वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई है बांग्लादेश के मिनिस्टर के साथ। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर पे क्या तारीफ की जा रही है शेख हसीना वाजिद के बारे में, और बिलावल भुट्टो कितनी देर बांग्लादेश के अंदर रुके हैं और उनकी किन के साथ मुलाकात हुई है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, साबिक पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट साहबजादा रियाज नूर ने शेख हसीना की लीडरशिप की तारीफ की है। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आर्टिकल शाया हुआ है। इस आर्टिकल को बांग्लादेशी इंग्लिश न्यूज़पेपर है डेली सन ने इसको कवर किया है, इस आर्टिकल को लिखा है, वो मैं आपको पढ़कर विवर सुनाता हूं। वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि बांग्लादेश ने अहम इकोनॉमिकल फॉर्मेशन तब्दीली का तजर्बा किया है जिसकी वजह उसकी क़यादत को लीडरशिप को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान की क़यादत बांग्लादेश के तजर्बे से बहुत से सबक सीख सकती है, लेकिन अहम नुक्ता यह होना चाहिए कि शेख हसीना ने इक्तसादी तरक्की को तरजीह दी जो दिफा और जमहूरियत दोनों के लिए अहम है। साहबजादा रियाज नूर ने अपने आर्टिकल में वज़ीर आज़म शेख हसीना के हाल ही में पद्मा ब्रिज का जो इफ्तिताह करने का जिक्र भी किया है और उसे फ़खर और सलाहियत की अलामत भी करार दिया है। व्यूअर्स, आर्टिकल में लिखा है कि गवर्नेंस का कम तजर्बा रखने के बावजूद भी वज़ीर आज़म के पास बसीरत और यकीन था कि मुआशी तरक्की में मुल्क में गुरबत के खात्मे का वाहिद रास्ता है। बांग्लादेश दुनिया की विवर्ज तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक बन गया है। 1970 में पाकिस्तान के मुकाबले में ये मुल्क 75% ज़्यादा गरीब था, लेकिन अब ये 45% ज़्यादा अमीर है। 1970 में इसके पास खाने के लिए मज़ीद 10 मिलियन लोग थे, लेकिन अब इसकी आबादी पाकिस्तान की 230 मिलियन के मुकाबले में 170 मिलियन है। 2021 में बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स 47 अरब डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की बरामदाद एक्सपोर्ट्स 28 अरब डॉलर थी। बांग्लादेश में फीकस आमदनी 2227 डॉलर जबकि पाकिस्तान की 1543 डॉलर है। व्यूअर्स, 2022 में इसकी मजमू घरेलू जो पैदावार जीडीपी पाकिस्तान में 347 बिलियन डॉलर के मुकाबले में 411 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा बांग्लादेश टका पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत है। अहम बात यह है कि बांग्लादेश में लिटरेसी रेट बहुत ही मजबूत और ऊपर है, जिसमें इकॉनमी में खवातीन जो फीमेल की शिरकत ज़्यादा है। आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी जमातें ज़ाती इनफरादी तौर पर जो फ़ायदे हासिल करती हैं उसमें दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा रखती हैं, लेकिन इस आर्टिकल में यह भी विवर्ज लिखा गया है कि जमहूरी अमल के बार बार हेरा फेरी ने मजबूत जमहूरी और गैर खानदानी जमातों की तरक्की को भी रोक दिया। एक और न्यूज़ व्यूअर्स आपके सामने रखते हैं कि इस साल रिकॉर्ड 3600 बांग्लादेशी कारकुनों का कोरिया जाने का भी इम्कान है। कोरिया की ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सर्विस के ढाका एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के जरिए इस साल 3600 से ज़्यादा बांग्लादेशी कारकुनों को कोरिया में दाखिल किए जाने का भी इम्कान बताया जा रहा है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और 2022 के आखिरी 7 महीनों में 2594 बांग्लादेशी पहले ही मुल्क में मुलाजमत कर चुके हैं। अब साउथ कोरिया की हुकूमत मुल्क में बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए ईपीएस के जरिए बांग्लादेशी कारकुनों के लिए 1000 से ज़्यादा इजाफी कोटे मुख्तस करने का भी इरादा रखती है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपको देते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुध को चिटागोंग एयरपोर्ट पर मुख्तसर क़याम किया। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक
वजीर इत्तलात नशरियात हसन महमूद ने पाकिस्तानी वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान दोनों वुजरा ने एक दूसरे के मुल्क की किताबों का तोहफा भी पेश किया एक दूसरे को। पाकिस्तानी वजीर खारजा तकरीबन 40 मिनट तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने 4 अगस्त से 6 अगस्त तक मुनक्कद होने वाले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान रीजनल फोरम ARF के 29वें वजारती इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करने के लिए कंबोडिया के शहर नोम पन्ना जाते हुए वहां स्टे किया चिटागोंग एयरपोर्ट पर। वजीर खारजा डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त इजलास में कंबोडिया में शिरकत के लिए गए हुए हैं। तो इसलिए किया वजीर इत्तलात जो बांग्लादेश के हसन महमूद उन्होंने पाकिस्तानी वजीर खारजा का इस्तकबाल। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की तरफ। ये बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तानी उनका अच्छा कदम है, इसको सराहा जाना चाहिए। और अब मेरे ख्याल में बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो बरादराना ताल्लुकात हैं वो आगे की तरफ ज़रूर जाएंगे। व्यूअर्स ये 3 खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं, रिपोर्ट आपको कैसी लगी? तो जी ये थी वीडियो और आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें शेख हसीना वाजिद की लीडरशिप की तारीफ़ की गई, बांग्लादेश के अंदर तरक्याती कामों की तारीफ़ की गई, किस तरह गुरबत से बाहर निकाला शेख हसीना ने अपनी कौम को, किस तरह तरक्की की नई मंजिलें तय की हैं। आज अगर देखें तो GDP में तेज़ी के साथ बढ़ती हुई मईशत बांग्लादेश की है। पूरी दुनिया के अंदर बांग्लादेश ने हैरान कर दिया है और एक्सपोर्ट करके बांग्लादेश के ज़र मुबादला में इजाफा किया है। और ये बात भी निकल के ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में लोग कारोबार के लिए दूसरे ममालिक जाएंगे, जॉब के लिए दूसरे ममालिक जाएंगे, कोरिया में भी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी जाएंगे। साथ ही साथ एक और खबर दी गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी बांग्लादेश के चिटागोंग के एयरपोर्ट के ऊपर 40 मिनट तक रुके। वहाँ पर बांग्लादेश के एक वजीर ने इनसे मुलाकात भी की और कुछ यादगार किताबों का तबादला भी हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का चिटागोंग एयरपोर्ट पे उतरना और बांग्लादेश के वजीर का मिलना ये एक मुस्बत और फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ता है। ये कदम उठाए जाएं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में दोस्ती के इम्कानात रोशन दिखाई देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।